तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं पिकनिक के लिए, ड्राई पिकनिक होगा आज। थोड़ा ऐसे टाइम पास निकल गए हैं, तो यहाँ से हम लोग का डेस्टिनेशन कहाँ होगा वो कुछ हमें आइडिया नहीं है, लेकिन टाइम पास करके आते हैं कुछ। हम लोग बहुत दिन हो गए एक्चुअली घर में बैठ बैठ के मोटे हो गए हैं, अभी आज थोड़ा चिल करके आएंगे। कौन सा चिल? उठने वाला चिल है। कितने हसी ये पल, धीरे धीरे चल। सब मास्क लगाने में बहुत डिस्टर्ब लगे हो, लेकिन उपाय नहीं ना, बीमार से बचने के कहना पड़ेगा। मास्क में तेरे अभी हम लोग मीट ले लगा था, ठीक है, वहाँ पे रोस्टिंग करने के लिए बोल के रहा था, वहाँ से मीट ले रहा था। उसके बाद मार्केटिंग कर लेगा जो जो चाहिए हम लोग को, वो सब लेने के बाद कहीं चलते हैं नदी किनारे की तरफ ना, क्या होता है दोस्तों। चंदन अभी मीट रोस्टिंग आ चुका है, तो अभी थोड़ा सा ड्राई पिकनिक टाइप से होगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आएंगे क्योंकि समय नहीं हम लोग के पास। तो देखते हैं क्या क्या आगे, और कुछ कुछ लेना है हमें, सैनिटाइजर लेना है, तो इसलिए निकलेंगे आगे के लिए। चलो मिलते हैं फिर, कुछ चाहिए और? चल चल निकल। डेस्टिनेशन वी आर गोइंग टू चिल विल, कौन सी जगह? वही तो सोच रहा हूँ कहाँ जाना, मतलब ऐसा है कि हम लोग निगल तरफ जाओ या इस तरफ दिल्ली तरफ। ये जो लासा पानी की व्यू देखिए, काफी क्लाउड बढ़िया से दिखाई दे रहा है हमें आगे। तो हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन, जो अभी हमें मालूम नहीं है, जो अभी गुरुन जहाँ ले जाएगा हम वही जाएंगे। हम तो जहाँ वही ले जाएगा जहाँ तुम लोगों को पसंद है, हम जगह दिखा देगा जहाँ जाओ कि वहाँ जाओ, अच्छा जगह देखी बेस्ट जगह। और नहीं हम लोग काफ़ी दिन बाद हम लोग निकल चुके हैं, टाइम पास कुछ ऐसे घूम के आएंगे। इधर ही सब्जी रखता है, सब्जी भी नहीं मिला हमें। सब्जी था तो उधर में पहाड़ में ना? नहीं नहीं उधर हमको था लोकल सब्जी चाहिए था, इधर लोकल सब्जी मिला, लोकल सब्जी चाहिए था लेकिन वो नहीं मिला, दुख लगा। तो यहाँ एक रिवर क्रॉसिंग है, इसे हमें पार करके जाना है। जय विष्णु। এতিয়া আছোঁ আলুবাৰীত, তো আপোনাৰ ভিউ চাব পাৰে। আলুবাৰী নে
तो काफ़ी दिन बाद, क्योंकि काफ़ी लंबा लॉकडाउन था रिजू में, तो बहुत दिन बाद आए हैं। तो यहाँ गर्म ज़्यादा है इसलिए हम लोग घूमने के लिए एक्सप्लोर करने आए। तो বহুত দিনৰ পাছত ইয়াত বনগোজ খাব আহিছোঁ আমি। বনগোজ বনগোজ কি হয়? বনগোজ মতলব বনগোজ আব হম চল রে নহানে কে লিয়ে। তো আবি লোকেশন তো আমি দেখা নেই, লেকিন করুণ বতা রহা থা কি কাফি বড়িয়া লোকেশন হ্যায়। তো ইয়াহা আবি করুণ হামে লেকে যা রহা হ্যায় লোকেশন পে नहाने के लिए। तो हमें तो कुछ मालूम नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। काफ़ी बढ़िया मौसम, काफ़ी सुहाना है, गर्मी काफ़ी तेजी में, काफ़ी गर्मी है अभी। तो इस सन बहुत सुंदर से निकल, तो इसमें चंदन क्या बोल सकते हैं आप? आज का मौसम बड़ा ही अच्छा है। थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है अभी, माथा दर्द हो रहा है मेरा। उसके अलावा पिकनिक, इट वॉज़ अ नाइस ड्राई पिकनिक। Overall, I can say that it was a pleasant weather. We were pleased to find such a beautiful spot so that we can enjoy. So, whatever things were there, we have enjoyed a lot. Thank you. View है, काफी बढ़िया है। तो देख सकते हैं अब काला बादल लग चुका है। तो लगता है most probably रात को बारिश हो सकता है। तो हम लोग जो भी हो, बारिश रात को होगा, लेकिन हम लोग दिन को full enjoy करेंगे। इसमें कोरोन क्या बोल सकते हैं? कुछ बहुत बताइए कोरोन। आप डांस करेंगे या नहाएंगे? अब अभी तो सबसे पहले मैं नहाऊंगा। नहाने के बाद? क्योंकि बहुत दिन हो गया ये लॉकडाउन के चलते, कभी नदी में नहाने का मौका, मतलब नदी में नहाए भी था ऐसा भूल गया जैसा लग रहा है। अभी सबसे पहले जाके नहाता हूँ, बाकी की बात बाद में करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं। ये जो काफ़ी बढ़िया क्लाउड लगा हुआ है, ये हम लोग का गाड़ी है जो करुण का है। तो यहाँ पे नेचर, रियली नेचर, नेचर ही एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी बढ़िया क्रिएटर है। करुण चले गए अपने पानी पे। ये देखिए, ये इसने डाइव मार दिया। यहाँ हम लोग करुण देखिए अभी डाइव मारेंगे। यहाँ पे हड्डी टूटा हुआ है फिर भी डाइव मारेगा। ओह माय गॉड चंदन, काफ़ी दिन बाद हम लोग यहाँ नदी नहाने आए हैं। मैं ऊपर से तो नहीं, यहीं से जंप मार देता हूँ आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए। करो ना, काफ़ी मशक्कत करने के बाद हम लोग अभी तेजू के लिए और तेजू की ओर निकल चुके हैं। आज का दिन काफ़ी बढ़िया एंजॉय हुआ।